अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कनाडा ने यूरोप और मशरक़ी वस्ती के खित्तों के लिए इजाफी माली इमदाद का ऐलान कर दिया। आर्मीनिया में पनाह गुज़ीनों के बहरान में मदद के लिए $1 मिलियन से ज़ायद की इमदाद का ऐलान। जान बचाने वाली इमदाद खुराक पनाह का और तहफ़ुज़ की खिदमात फराहम करने के लिए इस्तेमाल होंगी। हुकूमत रिहायशी बहरान को कम करने के लिए पुरअज़म है। कैनेडियन वजीर ख़जाना का कहना है कि बजट अपडेट में सस्ती रिहायश पर तवज्जो मरकूज की गई है। ट्रेजरी बोर्ड की सदर अनीता आनंद का बजट खसारा कम होने पर खुशी का इजहार। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर $10,000 जुर्माना आए। डोनाल्ड ट्रंप ने 3 हफ्ते कबल जुज़वी गैग ऑर्डर की खिलाफ वर्जी की थी। ट्रंप आइंदा सदारती इलेक्शन में रिपब्लिकन नामजदगी की दौड़ में बदस्तूर सबसे आगे। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सजा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. Canada ne Europe aur Mashriqi Wusta ke khitton mein lakhon afraad ko mutasir karne wale insani bahranon ki madad ke liye izafi mali imdad ka elan kiya hai. Mazeed ahwal is report mein. कनाडा ने यूरोप और मशरक वस्ती के खित्तों में लाखों अफराद को मुतासर करने वाले इंसानी बहरानों की मदद के लिए इजाफी माली इमदाद का ऐलान किया है। कनाडा की वजीर खारजा मेलानिया जूली ने आर्मीनिया में पनाह गुजीनों के बहरान में मदद के लिए $1 मिलियन से ज़्यादा की इमदाद का ऐलान किया, क्योंकि आजरबाईजान के साथ बढ़ते हुए तनाव के दरमियान लाखों अफराद नागोर्नो काराबाख से फरार हो गए। जूली ने आर्मीनिया में अपने दौरे के दौरान एक बयान में कहा कि कनाडा इस बहरान से फरार होने वालों का खैर मकदम करने पर आर्मीनिया का शुक्रगुजार है। मेज़बान बरादरियों ने फराख दिली से अपने दरवाजे खोल दिए हैं, लेकिन वो तनहा पनाह की मतलाशी लोगों की इस बड़ी आमद की हिमायत नहीं कर सकते। कनाडा ने आर्मीनिया में पनाह गुजीनों और तनाजात से फरार होने वाले पनाह गुजीनों के लिए जान बचाने वाली इमदाद खुराक पनाह का और तहफ़ की खदमात फराहम करने के लिए मजमू तौर पर $3.9 मिलियन का अहद किया है। मजीद बरां बैन अलावा तरक्की के वजीर अहमद हुसैन ने गजा मगरबी किनारे इसराइल और आस पास के इलाकों में इसराइल हमास जंग से मुतासर होने वाले शहरियों के लिए $10 मिलियन की फौरी इमदाद का ऐलान किया। जूली ने आर्मीनिया के दारुल हुकूमत के दौरे के दौरान सहाफियों को बताया, मैंने कहा है कि सब कुछ मेज पर है। ये कहने के बाद हम तवक्को करते हैं कि आर्मीनिया की इलाकाई सालमियत का एहतराम किया जाएगा और हमारे लिए ये यकीनी तौर पर कुछ है जिसे हम देख रहे हैं। प्रवान में कनाडा का नया सफारत खाना खोलेगा। जूली का ये दौरा ऐसे वक्त में आया है जब कुछ माहरीन ने दोनों कफकास ममालिक के दरमियान मजीद तसादम के खतरे से खबरदार किया है। कनाडा की वजीर खजाना क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने कहा है कि हुकूमत का खजा का मौशी बयान माली तौर पर जिम्मेदाराना फ्रेमवर्क के अंदर रिहाइश और सस्ती रिहाइश पर तवज्जो मरकूज करेगा। ये एक चैलेंजिंग तवाज़ुन है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा की वजीर ख़जाना क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने मंगल को कहा है कि हुकूमत का खजा का मौशी बयान माली तौर पर जिम्मेदाराना फ्रेमवर्क के अंदर रिहाइश और सस्ती पर तवज्जो मरकूज करेगा। ये एक चैलेंजिंग तवाज़ुन है। हमारी हुकूमत इसे करने के लिए पुरअज़म है। वफाकी हुकूमत के मालियाती गोशवारे मंगल को शाया किए गए, जिसमें बताया गया कि माली साल 2022-2023 का खसारा $35.3 बिलियन था। ये मौसम बहार के बजट के तखमीने से $7.7 बिलियन कम है। ट्रेजरी बोर्ड के सदर अनीता आनंद, जो एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में फ्रीलैंड के साथ मौजूद थीं,
ने तवक्को से कम खसारे पर खुशी का इजहार किया। ये बहुत अच्छी खबर है, आनंद ने कहा। इससे जाहिर होता है कि जैसा कि हमारे पास कोविड के दौरान होता है, हम अपने खसारे को कम करने के लिए अपनी तरजीहात को महवर और दोबारा मरकूज कर सकते हैं। वफाकी हुकूमत को कोविड-19 वबाई अमराज के बाद अखराजात पर लगाम लगाने के लिए दबाव का सामना है, खास तौर पर जब मईशत सुस्त पड़ रही है। ताहम इसे कौमी हाउसिंग बहरान से निमटने के लिए काफ़ी दबाव का भी सामना है, क्योंकि पोलिंग से जाहिर होता है कि हुकूमत करने वाले लिबरल्स की हिमायत मुतासिर हो रही है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर न्यूयॉर्क की मकामी अदालत ने सिविल फ्रॉड केस में $10,000 जुर्माना आयद कर दिया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर न्यूयॉर्क की मकामी अदालत ने सिविल फ्रॉड केस में $10,000 जुर्माना आयद कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने 3 हफ्ते कबल जुज़वी गैग ऑर्डर के खिलाफ वर्जी की थी। गैग ऑर्डर 3 अक्टूबर को ट्रंप की जानिब से सोशल मीडिया पर जज एंगरॉन के प्रिंसिपल लॉ क्लर्क की तौहीन करने पर जारी किया गया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जुर्माना जज आर्थर एंगरॉन ने साबिक अमरीकी सदर के खिलाफ सिविल फ्रॉड केस में अदालती अमले पर तनकीद करने पर आयद किया। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ये 1 हफ्ते के दौरान दूसरा मौका है जब ट्रंप को उनके अदालत से बाहर के तबसरों पर सजा सुनाई गई है। इससे कबल अमरीका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खुफिया दस्तावेजात केस में एक और गवाही सामने आ गई। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर गैर मुल्की सरबराहान के साथ फोन पर गुफ्तगु, फ्लोरिडा में रहायशगाह पर साथियों के साथ शेयर करने का इल्ज़ाम है। उन्होंने यूक्रेनी और इराकी रहनुमाओं के साथ गुफ्तगु में शामिल हसास मालूमात शेयर की थी। इस बात का इंकशाफ ऑस्ट्रेलवी ताजिर एंथोनी प्रेच ने अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में किया। साबिक अमरीकी सदर पर जौहरी आपदोजों से मुतालिक हसास मालूमात भी शेयर करने का इल्ज़ाम है। ऑस्ट्रेलवी ताजिर आइंदा साल मई में मुकदमे की समाअत के दौरान बतौर गवाह पेश होंगे। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप आइंदा सदारती इलेक्शन में रिपब्लिकन नामजदगी की दौड़ में बदस्तूर सबसे आगे है। रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तारण कहते हैं कि उनको बाइडन इंतजामिया इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बना रही है। टैग टीवी के पाकिस्तानी स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।